तालियों की आवाज। अब हम जावेद सर को आवाज देते हैं कि यहाँ आए और फजीलत अहमद साहब का इस्तकबाल करें। गुजारिश करती हूँ कि तमाम मेहमानों ने खुसूसी का इस्तकबाल करें। जावेद सर की वालदा खैरुन्निसा साहिबा से गुजार। अब हम जावेद सर की हमारे इरादों का इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमी हमने, अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमी हमने, अभी तो सारा आसमान बाकी है। सही है जफर साहब। मोहम्मद शरफुद्दीन साहब को अवार्ड से नवाजेंगे जावेद सर। जावेद साहब को अवार्ड से नवाजेंगे जावेद सर। हाजी इकबाल साहब को अवार्ड से नवाजेंगे जावेद सर। एमडी तैयब जफर साहब को अवार्ड से नवाजेंगे जावेद सर। तालियों की आवाज रुकनी नहीं चाहिए। सैयद जावेद सर को अवार्ड से नवाजेंगे लियाकत सर। एक मिनट बीच में। दरम
अवार्ड से नवाजने के लिए कस्की आंटी को आवाज देती है कि वे यहाँ आए और उनको अवार्ड से नवाज देंगे शरफुद्दीन साहब। घर आबाद करने से तसल्ली दिल को मिलती है, खुदा को याद करने से। अब मैं मेहंदी क्लास की तलबा नशरा को आवाज देती हूँ कि वे यहाँ आए, अपने ख्यालात पेश करे। नशरा मोहतरम सदर जलसा, मुआज़्ज़ज़ असातिज़ा इकराम और मेरे साथियों, मैं कैसे कैसे तारुफ करवाऊँ इनका, मैं कैसे कैसे तारुफ करवाऊँ इनका, ये फूल है खुशबू से जान लो इनको। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाही वबरकातुहू। हमारा नाम नशरा अंजुम है, हम यहाँ उनैसा मैम से मेहंदी सीखते हैं। उस्ताद एक काबिल एहतराम हस्ती है, इस्लाम में उस्ताद को बाप का मकाम दिया गया है। उस्ताद वो हस्ती है जो हमें इल्म सिखाते हैं। हमारे उनैसा मैम भी हमें बड़ी लगन से मेहंदी सिखाते हैं। उनका रवैया भी हमारे साथ बहुत अच्छा है, वो हर तरह से हमारी मदद करते हैं, वो सब पर भरपूर तवज्जो देते हैं और हमें अलग अलग डिज़ाइन के मेहंदी सिखाते हैं। हम उनसे दुबई डिज़ाइन के मेहंदी सीखते हैं जो हमारे घर वालों को भी बहुत पसंद आते हैं। दस्ते मासूम पे वो लोहे कलम देता है, दस्ते मासूम को वो लोहे कलम देता है, शबे तारिक को वो कंदिले हरम देता है। रोशनी बांटता फिरता है सूरज की तरह, रोशनी बांटता फिरता है सूरज की तरह, डूबता है तो सितारों को जन्म देता है। हमारे मैम खुश मिजाज है, अगर हमको कोई फूल वगैरह बनाना नहीं आए तो हमें बहुत अच्छे से बताते हैं, और अगर फिर भी नहीं आए तो वो हमें खुद बनाकर देते हैं, और वो छोटे बच्चों से शफक्कत से पेश आते हैं। हमारे इंस्टीट्यूट में कोई भी प्रोग्राम होने वाला हो तो हमें इसके लिए अप्रिशिएट करते हैं, हमारी हौसला अफजाई करते हैं, हमें हिम्मत देते हैं, और कुछ चीज़ों में सख्ती बरतते हैं तो कुछ चीज़ों में नरमी। अल्लाह ऐसे उस्ताद हर किसी को दे। हमारी दरसगाह में ये जो उस्ताद होते हैं, हमारी दरसगाह में ये जो उस्ताद होते हैं, हकीकत में यही कौमों की बुनियाद होते हैं। सुने रुदाद जब भी हम किसी कामयाबी की हर एक रुदाद में ये मरकज किरदार होते हैं। ये रखते हैं शहर इल्म की हर राह को रोशन, ये रखते हैं शहर इल्म की हर राह को रोशन, हमें मंजिल पे पहुंचा कर ये कितने शाद होते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि उनैसा मैम को जजाए खैर अता फरमाए, आमीन। ज़िंदगी की असल उड़ान अभी बाकी है, हमारे इरादों का इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमी हमने, अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमी हमने, अभी तो सारा आसमान। इसको और थोड़ा बड़ा करेंगे। सैयद जावेद जो मिल गया हमारे को, तो हमको लग रहा है कि हमारी जगह कम पड़ेगी। कल ही मैंने बोला हमारी तरफ से भी पूरा ताउन है, अब इंशाल्लाह इसमें कोई डिस्टर्ब नहीं होगा, ये अच्छी तरीके से चलेगा। और आप ऐसे दे सकते हैं कि अगले बैच के लिए भी लोग यहाँ पर आए। और एक बात बताओ, अरे बात करते बात निकली तो, जावेद जो इनका भी नाम है मेरा भी नाम है, तो जावेद का मतलब है जिंदा, और हमने किसे कोई बोले हमेशा जिंदा रहने वाला। तो आप लोगों को ये जो हुनर दे रहे हैं, जो आप लोगों को सिखा रहे हैं, हम भी सिखा रहे हैं बच्चों को, तो ये आपको जिंदा कर रहे हैं। तो ये आपकी ज़िंदगी जो है इंशाल्लाह हमारी ज़िंदगी से जुड़ गई, हम भी जिंदा आप भी जिंदा। ये सिर्फ बोलने की बात है, जो समझ गया, नहीं समझा। सदर साहब जो हमारे हैं, जफर साहब है, जावेद भाई है, वालिद साहब है, और स्टेज पर जो मेहनत किए हुए लोग हैं, हम लोग तो खाली दो दिन पहले आए, जावेद है, लियाकत भाई है, और सारे हमारे, इन सबका मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। और इंशाल्लाह ये इंस्टीट्यूट यहीं पर चलेगा, हमने इनको पूरी इज्जत दी है और इज्जत के साथ हम काम करेंगे, और जो भी इनके प्रोग्राम्स हैं उसको पूरी तरह से अमल में लाएंगे। और आप लोग भी दुआ कीजिए कि काम इसी तरह आगे चलता रहे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।
मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ मेरे भाई जावेद साहब का कि जो सरजमीन हिंदुस्तान के लिए शान है आपने उसके शान से हमको नवाजा, शान खुल्दाबाद का अवार्ड हमको दिया। हमारे लिए यही शान है कि एक ऐसा शहर हमारे इतने करीब है कि जब जी चाहता है उठ के आ जाते हैं, जब जी चाहता है यहाँ पर चल के आ जाते हैं। इंस्टीट्यूट की अगर बात की जाए तो मैं आप तमाम को मुबारकबाद देता हूँ, आपने ये पूरी दुनिया को पैगाम दिया है कि हम हिजाब के साथ तालीम हासिल कर सकते हैं। जो इदारे ये दावा करते हैं कि हमारा साहब तालीमी इदारा है, थोड़ा सा पर्देदारी में हम नहीं कर सकते, तो उनको यहाँ आकर देखना चाहिए कि आओ खुल्दाबाद, आओ नरगिस जावेद के ग्रुप के इस इंस्टीट्यूट के अंदर और देखो कि अगर तुमको हुनर सीखना है तब भी तुम जो है तो पर्दे के साथ सीख सकते हैं, अगर तुमको कंप्यूटर की तालीम सीखनी है तब भी तुम पर्दे के साथ तालीम हासिल कर सकते हैं। एक खातून अगर चाहती है कि वो तालीम हासिल करे तो वो पूरे शराइत के मुताबिक रहकर भी तालीम हासिल कर सकती है और ये इंस्टीट्यूट उसका पैगाम देता है। मैं जावेद साहब को मुबारकबाद इसलिए भी देता हूं कि जब हम एक बच्चे को तालीम देते हैं तो हम महज एक बच्चे को तालीम देते हैं, लेकिन जब हम एक बच्ची को तालीम देते हैं हम पूरी एक नस्ल को तालीम दे रहे हैं। अगर आज तुम्हारे पास 600 एडमिशन्स है तो 600 खानदान तुम्हारे पास तालीम हासिल कर रहे हैं, 600 खानदानों का मुस्तकबिल तुम संवार रहे हो। मैं आपको मुबारकबाद दूंगा। बस बेटा पीछे जाकर दूंगा।